हेलो सेवंथ क्लास, सारे बच्चों मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल जी। सारे मेरी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। चलो असं अज करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। सैवंथ क्वेश्चन साढ़े को सब तो पहला यह सैवंथ क्वेश्चन है। एट सनराइज द आउटसाइड टैंपरेचर वॉज 7 डिग्री बिलो 0। इन द आफ्टरनून द टैंपरेचर रोज बाई 30 डिग्री एंड देन फेल बाई 8 डिग्री एट नाइट। वट वॉज द टैंपरेचर एट द एंड ऑफ द डे। कि सवेर वेले किसी जगह का जो तापमान हैगा वह 0 तो 7 डिग्री घट सेगा, दोपहर तो बाद टैंपरेचर 13 डिग्री होर बढ़ गया, जन के गर्मी हो गई, तो रात पेंदे पेंदे 8 डिग्री घट गया दोबारा तो दिन के अखीर तापमान किन्ना से असी यह पता करना। ठीक है, सो साडा जो क्वेश्चन है वह हैगा, पहला तो असी लिखांगे सवेर वेले तापमान। किन्ना सीगा 0 तो घट सेगा 7 डिग्री, -7 डिग्री। ठीक है, दोपहर तो बाद बढ़िया तापमान, बढ़िया किन्ना 13 डिग्री, बढ़िया। हाँ, मैं इतने शब्द लिखा बढ़िया, ये ध्यान रखना। ठीक है, रात नूं घटिया, रात वेले घटिया कि 8 डिग्री। हुण ये वधिया ये घटिया, घटिया मतलब माइनस होया, वधिया मतलब प्लस होया। तां दिन दे खीर वेले तापमान, किन्ना हो जाएगा? सवेर वेले सीगा -7 डिग्री, फिर बढ़ गया, बढ़िया मतलब प्लस होया, किन्ना होया 13 डिग्री, फिर घट गया माइनस होया 8 डिग्री। हुण जदों साडे कोल इदां दा सवाल होवे तां असीं सेम साइन जिहड़े होणगे है ना, जिहड़े इक्को जिहे चिन्ह, जिदां 7 दा चिन्ह भी माइनस है ते 8 दा चिन्ह भी माइनस आ, इहनां दे इक्को जिहे चिन्ह आ, इक्को जिहे साइन आ, इहनां नूं असीं जोड़ लवांगे, पर साइन उही रहिणा। ठीक है, इको जे जिहड़े आ उहनां नूं असीं जोड़ देणा, ए भी माइनस दे, ए भी माइनस दे आ, ते टोटल माइनस दे किन्ने हो गए, माइनस दे हो गए साडे कोल 15 डिग्री। ठीक है, तां प्लस दे किन्ने रह गए साडे कोल, क्योंकि उह कल्ले ही आ, प्लस दे हो गए 13 डिग्री। हुण चिन्ह उल्ट हो गए, एक माइनस दा एक प्लस दा, उल्ट चिन्ह होण तां असीं घटाओ करी दी आ हमेशा, जिहड़ी चीज़ सानूं देखण नूं वड्डी लगे उहदे विचों असीं दूजी नूं घटा देणा हुंदा। हुण 15 ज़्यादा आ ते देखण नूं ज्यादा आ, है ना, ते 15 ज्यादा आ, 13 घट आ, 15 चों 13 असीं घटावांगे, 2 बचने आ 2 डिग्री, ते चिन्ह उहदा ही लगना जिहड़ी चीज़ सानूं देखण नूं ज्यादा लगदी है। ठीक है, -2 डिग्री। हुण इहनूं इंग्लिश च इहदी स्टेटमेंट देखो, जिथे लिखणा सी सवेर वेले तापमान उत्थे लिखांगे टैंपरेचर इन द मॉर्निंग। इज इक्वल टू -7 डिग्री रेज्ड आफ्टर आफ्टरनून, आफ्टरनून मतलब दोपहर तो बाद कितना बढ़िया 13 डिग्री, 13 डिग्री। ठीक है, डाउन इन नाइट, डाउन किन्ना होया 8 डिग्री, टेम्परेचर इन द एंड ऑफ द डे वो तुसी ये सम करना दोबारा इना। ठीक है, ये सेम ही होगा। ओके, ये साडा पंजाबी ते इंग्लिश मीडियम लिए सम हो गया, पर इन्हू देखो असी समझांगे एक नंबर लाइन ते, भी इन्हू समझ के देखिए कि साडा आंसर इन्ना ही आंदा नाल नाल नंबर लाइन की प्रैक्टिस हो जाएगी। मान लो ये साडी एक ए नंबर लाइन है, ठीक है, इत्थे साडी 0 है, इहदा नूं साडा राइट हैंड साइड ते प्लस वाले साइन आंदे आ डिजिट 1 2 3 4
फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। जीरो के लेफ्ट हैंड साइड से माइनस वाले आते हैं, एक दो तीन चार पाँच छे सत्त। ये देखो माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पाँच, माइनस छे, माइनस सत्त एंड सो ऑन, मुके नहीं है। हुण जिले शुरू होया दिन तो टैंपरेचर कितने सीगा साडा, सैवन डिग्री, माइनस सैवन डिग्री थे इतने सीगा। दोपहर वेले का तापमान तेरह डिग्री बढ़ गया, थर्टीन डिग्री वो रेज कर गया, तो असी थर्टीन स्टैप चलांगे। इधरों देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सैवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन, इतने पहुँच गया दोपहर वेले छे डिग्री प्लस से सीगा। द फिर रात वेले अठ डिग्री घट गया, जो अठ डिग्री घटिया ये तो ये देखो इतों असं हम बैक जावे क्योंकि घट रहा माइनस हो रहा, तो एक दो तीन चार पाँच छे सत्त अठ। देखो अल्टीमेटली असं कितने पहुंचे हैं, माइनस दो डिग्री से, तो यही साडा आंसर सेगा इतने, ठीक है ना। ये तुहानू सिर्फ समझाया, नंबर लाइन तुहानू याद कराती है दोबारा, ठीक है। सवाल तुसीं इस तरह ही करना है जिस तरह इधर किया है, तो ये सिर्फ मैं तुहानू समझाया। हुण साडा क्वेश्चन नंबर सैवन जिहड़ा ये कंप्लीट हो गया, हुण असीं करांगे क्वेश्चन नंबर एट। एट्थ क्वेश्चन, मनजीत सिंह हैज़ अ बैंक बैलेंस ऑफ रुपीज माइनस 430 एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ। जिहड़ा मनजीत सिंह है उहदे बैंक दे विच महीने दे शुरू विच किन्ने पैसे सीगे, माइनस 430 रुपए सी, ठीक है। वट वॉज द बैंक बैलेंस आफ्टर ही डिपोजिटिड रुपीज 250। जदों 250 रुपए जमा करा दे जे बैंक दे विच, तां फिर उहदे बैंक दा बैलेंस जिहड़ा उह किन्ना होएगा, ठीक है। बैंक दे विच किन्ने पैसे होणगे, हुण माइनस 430 तुसीं सोचोगे कि बैंक दे विच माइनस 430, उहने करजा लिया होएगा, जरूर करजा लिया होएगा, तां करजा मोड़ना आ। हुण उहने 250 रुपए दित्ते आ, 250 रुपए जमा कराते आ, हले इहदी प्रॉपर्टी पहुंचा, इहदा मतलब हले इहदा बैंक बैलेंस माइनस ही रहेगा, करजा ही रहेगा ना उहदे सिर ते। सो असीं इहनूं करांगे हुण महीने दे शुरू विच बैंक विच रकम किन्नी है, रकम जां राशि रुपीज माइनस 430, ठीक है। जमा किन्ने कराए, जमा कराए रुपीज 250, महीने के अखीर विच राशि किन्नी हो जानी है, बैंक विच राशि किन्नी हो जाएगी, पहला सीगे माइनस 430 प्लस हो गए 250, तो हुण ज़्यादा कहड़े आ माइनस वाले, इहदे विच उहनूं घटा देंगे तो 180 बचने आ, कहदे बचने आ माइनस दे, क्योंकि उहदा कर्जा हले मुकिया नहीं है, तो माइनस दे 430 दे विचों 250 घटा देंगे, तो माइनस 180 रुपये जिहड़ा उहदा कर्जा रह गया, ठीक है। ये साडा आंसर है महीने के अखीर विच उहदे बैंक दे विच माइनस 180 रुपए होंगे। इंग्लिश देखिए असीं, बैंक बैलेंस इन द स्टार्ट ऑफ द मंथ रुपीज माइनस 430, ठीक है। ही डिपॉजिटेड इज इक्वल टू रुपीज 250, बैंक बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 430 प्लस 250 इज इक्वल टू माइनस 180। सो साडा क्वेश्चन जिहड़ा
8th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। हुण असी करांगे क्वेश्चन नंबर 9। माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट एलिवेशन इन एशिया, सब तो उच्ची चोटी है माउंट एवरेस्ट जी एशिया की, तो उचाई वो कि 29,028 फीट अबव द सी लैवल, एक मतलब लैवल मनिया जाता सी लैवल सी लैवल समुद्र तल तो उचाई या समुद्र तल तो डूंगाई, समुद्र का तल जो तो मन के असं अपनी धरती के उत्ते चोटियां है उन्होंने उचाई रखते हैं, जो कोई चीज़ थले है तो उन्होंने असं समुद्र तल तो थले मानते हैं। इस तरह जी माउंट एवरेस्ट हैगी समुद्र तल तो उचाई जी दी है 2928 फुट, इंग्लिश फीट है, पंजाबी फुट होएगा। तो एक डेड सी होंगे, डेड सी एक जो नमक का सागर है तो उन्होंने मृत समुद्र भी बोलते हैं, तो वह जो समुद्र तल तो थले हों, समुद्र तल तो जी उचाई है वह थले होंगी है, ठीक है। वो उचाई समुद्र तल तो थले कि है, थले है तो -1312 फुट थले है, इस तरह समुद्र के थले नहीं समुद्र तल तो थले, जिदा माउंट एवरेस्ट जी समुद्र के उत्ते थोड़ी है दूर जाके है, पर उचाई असं समुद्र तल तो मापते हैं। इस तरह डेड सी है जरा डूंगाई भी समुद्र तल जो समुद्र है तो थले असं मापते हैं, पर हों तो दूर है, ठीक है। हूँ कहता है जो दोनों उचाइया है ना, एक ये उचाई इतों लैके उपर न, एक ये उचाई जी उपरों थले, इन्हों दो आपसी जो अंतर कि है, ठीक है। तो आपसी अंतर कि होगा, असं इतने डिफरेंस लिखा, अंतर जा डिफरेंस इज इक्वल टू ये सी 29,028 फुट 29,028 फीट माइनस, अंतर पता करना ना डिफरेंस पता करना, डिफरेंस लिए साडा साइन हुंदा माइनस का, डिफरेंस किहदा करना -1312 जिहड़ा कि पहले माइनस है ना। हुण ये की हो जाएगा, ये दो साइन इकट्ठे हो गए, इनू असीं लिखांगे 29,028 माइनस माइनस प्लस 1312, इन्हों जोड़ो, जोड़ के देखो कि आया 8 2 10 एक आंसर आ गया, 2 3 4 हो गए, 3 3 हो गए, 9 1 10 हो गया, 2 1 3 हो गया, इन्ने फुट जिहड़ा इन्हों का अंतर आ गया, इंग्लिश तुहाडा फीट होएगा। सो यह साडा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। हुण असीं देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दे विच सानू 3 टीमां दित्तियां गईयां, एक ए टीम है, ए बी टीम है, ए है साडी सी टीम, इन्हां दे स्कोर दित्ते आ, ए टीम दा पहला 70 है स्कोर, बी टीम दा पहला स्कोर -15 है, सी दा 30 है, ए दा -15 आ, बी दा 70 है, सी दा भी 70 है, तो ए दा 30 है, बी दा भी 30 है, तो सी दा -15, ठीक है। तीन टीमों के स्कोर है 3 राउंड के, तो वह कहता कि विच टीम स्कोर बैटर, किहड़ी टीम ने चंगा स्कोर बनाया, वट कंकलूजन डू यू ड्रॉ। हुण ये सारे सवाल तो तुसी केड़ा कंकलूजन कढ़दे आ, की सिट्टा कढ़दे आ, की तुहानू पता लगता है, ठीक है। हुण सब तो पहला देखो कि इन्हां दा असीं स्कोर प्लस करना, इत्थे प्लस आएगा, 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 इत्थे प्लस। हुण की करना असीं, पहला देखो असीं की करांगे, पहला हुण मैं तुहानू 70 ते 30 क्योंकि दो प्लस दे आ, जिहड़े सेम साइन वालियां चीज़ां आ उन्हां नूं असीं सब तो पहला हल करीदा, सेम चिन्ह मतलब बराबर इको जिहा चिन्ह। हुण 70 भी प्लस दे इत्थे ते 30 भी प्लस दे आ, 70 ते 30 किन्ने ने 100, 70 ते 30 हो गए 100, ते माइनस दे रह गए 15, आंसर साडा आ गया 85, ठीक है। दूजी बारी असीं प्लस किया, तो 70 ते 30 इत्थे आ, -15 पहला आ गए, तो असीं इन्हां नूं दोनों जोड़ांगे, तो हो गया 100, आंसर साडा आ गया 85। जो इन जोड़ा 70 ते 30 100 बनेगा पहला, तो -15 ये बराबर कि आ गया 85। हुण तुसीं ये देखो कि पहला असीं किहनूं किहनूं जोड़िया, पहली रकम नूं ते अखीरली रकम, ठीक है। दूजी बार असीं किहनूं जोड़िया, दूजी नूं ते अखीरली नूं, तीसरी नूं, इत्थे असीं किहनूं जोड़िया, पहली नूं ते दूजी, ठीक है। उस तो बाद असीं
ए पहली दो जोड़ के फिर बी ए जोड़ी है, दूसरी रकम बास जोड़ी है, एच दूजी तीजी जोड़ के पहली बास जोड़ी है, एच पहली दूजी जोड़ी है ते तीसरी बास जोड़ी है। हुण एक चीज तां असीं कंकलूजन साडा निकलिया, पहला क्वेश्चन जिहड़ा इह वाला पुछिआ वी किहड़ी टीम दा स्कोर जिहड़ा बैटर सीगा, साडा पहला आंसर है, साडा पहला आंसर हैगा ऑल टीम्स स्कोर इक्वल, सारियां टीमां ने बराबर अंक लए, हुण असीं किहड़े सिट्टे ते पहुंचे हां, असीं इस सिट्टे ते पहुंचे हां कि चाहे जे साडे कोल तीन रकमां आ ए प्लस बी प्लस सी, इहनूं असीं किन्ने तरहां जमा जोड़ सकते हां, इहनूं असीं इदा भी जोड़ सकते हैं, पहला ए प्लस बी प्लस सी कर लीए जिदा असीं इत्थे कीता सी च, है ना, ए प्लस बी करके फिर सी जोड़िया, जां इहनूं असीं इदा भी लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि बी तो सी नूं असीं पहला जोड़ के ए नूं असीं बाद च जोड़िए, जिदा असीं टीम बी दी बारी कीता, ठीक है, जां असीं इहनूं इदा भी कर सकते हैं ए प्लस सी प्लस बी, ठीक है, जिदा असीं पहली टीम बारी कीता ए टीम बारी। हुण ए साडा किहड़ा नियम हैगा, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, इंटीजर्स दे विच एसोसिएटिव लॉ है, सहचारता गुण है कि असीं जिहड़ियां साडे कोल रकमां दित्तियां असीं उहनां नूं जोड़ना है तां असीं उहनां नूं किसे भी क्रम दे विच जोड़ सकदे हां, ठीक है, चाहे पहलियां दो जोड़ के तीसरी बार च जोड़ लो, चाहे पिछलियां दो जोड़ के पहली बार च जोड़ लो, चाहे पहली ते तीजी जोड़ के तां दूजी बार च जोड़ दो, ठीक है, साडा ए कंकलूजन निकलिया इहदे विच, तां असीं कहांगे इस तों सानूं सहचारता गुण दी पुष्टि हुई। इट कन्फर्म्स द एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, हुण इह क्वेश्चन साडा कंप्लीट हो गया 10th वी, तां नेक्स्ट क्वेश्चन लई असीं फिर नेक्स्ट वीडियो च मिलांगे, बाय बाय।